हर रोज कोई न कोई जाति के नाम पर शोषण करने वाली खबर हम अखबारों के जरिए पढ़ते रहते हैं। आज़ादी के 74 साल बाद भी देश में जातिवाद चरम पर है। कहीं जाति के नाम पर मूछ रखने पर मारा जाता है, तो कभी जाति के नाम पर घोड़ी चढ़ने पर दलितों को पीटा जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ पारितोष मल। जाति है कि जाति नहीं के इस आज के एपिसोड में आज हम बात करेंगे उन दलितों के बारे में जिनको बस घोड़ी चढ़ने पर मारा गया, पीटा गया, वो भी बहुत बुरी तरह। हाल ही में कुछ ऐसी शर्मनाक घटनाएं हुई हैं जो बताता है कि जातिवाद आज भी उसी मजबूती से शोषण कर रहा है, जिसका हम आज के प्रोग्राम में जिक्र करेंगे। आपको पता ही होगा कि देश के अलग अलग राज्यों में दलितों को घोड़ी तक नहीं चढ़ने दिया जाता है। एक ऐसा ही मामला आया है राजस्थान के अलवर का, जहां पर संगीनों के साय में दलित दूल्हे ने घोड़चढ़ी की है। दलित होकर आराम से घोड़चढ़ी कर लेंगे, यह इस कथन सभ्य समाज में भला कहां संभव है, क्योंकि यह विश्वगुरुओं का बनाया हुआ रस्म और रिवाज जो है कि यहां दलितों की घोड़चढ़ाई अलाउ नहीं है। दलित की घोड़चढ़ी इतनी आसान नहीं है, क्योंकि उसके घोड़े पर चढ़ने से हमारा सामाजिक ढांचा अपवित्र हो जाता है, इसलिए वह घोड़े पर चढ़ने न पाए इसका हमें भरसक इंतजाम करना है। ऐसी हमारी सामाजिक सोच आज भी है, जो कि अत्यंत ही दुखद और सोचनीय है। इस सोच को बदलना होगा। दरअसल आज तक न्यूज़ पोर्टल पर 22 नवंबर 2019 को प्रकाशित एक खबर के मुताबिक राजस्थान के अलवर जिले के बांसूर के बुटेली गांव में एक दलित युवा जो अपनी बारात घोड़े पर चढ़कर निकालने को उद्यत होता है, तो गांव के कथित सभ्रात लोगों को पेट गड़ी हो जाती है और वे चेतावनी देने लगते हैं कि किसी कीमत पर घोड़चढ़ी नहीं होगी। दलित समाज के लोग घोड़चढ़ी को लेकर अपने गांव के दबंगों के ऐतराज के बाद भयभीत हो SDM राकेश मीना को दरख्वास्त देते हैं। दलित दूल्हे की घोड़चढ़ी में किसी तरह की अनहोनी न हो पाए, इस निमित्त प्रशासन जिले के बांसूर, हरसौरा, बडरोड और तातारामपुर थाने में से पुलिस फोर्स, SDM राकेश मीना, तहसीलदार जगदीश बैरवा और CO अतुल शाहू के नेतृत्व में डेरा डाल देता है और संगीनों के साय में दलित दूल्हे की बारात घोड़चढ़ी के साथ नाचते गाते हुए निकलती है। हम कैसे समाज में जी रहे हैं जहां शादी विवाह में बारात निकालने के लिए या घोड़चढ़ी करने के लिए फोर्स बुलानी पड़ रही है? आखिर इस जाति की लाइलाज बीमारी का इलाज कब होगा? इतना ही नहीं, एक मामला गुजरात का है जिसे सुन आपको गुस्सा आएगा। ये जाति इतनी नक्रूर है कि इसकी तपम में इंसान तो इंसान, जानवर भी झुलस जाता है। गुजरात के अरवली जिला की मोड़ासा तहसील के खांभीश्वर गांव में 12 मई 2019 को घटित एक दुखद घटना में दलित दूल्हे द्वारा घोड़चढ़ी करने पर उच्च जाति के दर्जनों महिला पुरुष द्वारा किए गए पथराव में दलित बाराती तो घायल हुए ही, घोड़ा भी बुरी तरीके से घायल हो गया, जो अनंततः कई दिनों तक चले इलाज के बावजूद दम तोड़ दिया। दलित दूल्हा जयेश राठौड़ खांभीसर गांव के इतिहास में पहले दलित हैं जिन्होंने दलित होने के बावजूद घोड़चढ़ी को दुस्साहस कर दिया, जिससे कुपित स्वर्ण समाज की नामजद 16 महिलाएं और 27 पुरुष मरने मारने को उतारू हो गए, ईंट पत्थरों से पथराव करने लगे। इस पथराव में इंसानों के साथ ही एक मुख जानवर यानी घोड़ा भी इस नरसंस हमले का शिकार हो गया, जिसे इंसानी जाति का कोई आभास नहीं था और अंततः वो इस जाति की भेंट चढ़ गया। पुलिस ने मामला दर्ज किया, गिरफ्तार भी कर लिया, पर इससे क्या होगा? मुख जानवर जिसे इस जाति से कोई मतलब नहीं था वो वापस आ पाएगा, या वे लोग जो कि इंसान के घोड़ी चढ़ने से आहत हो पथराव किए थे उनके कानूनी शिकंजे में फंसने की संपूर्ण कार्रवाई से हुई धन जन की क्षति की भरपाई क्या हो पाएगी? काश हम मनुवादी जाति देखने की बजाय इंसानी जाति देखते तो आज हम दुनिया के सिरमौर होते। वहीं इसी साल अप्रैल की बात बताता हूँ,
हरियाणा के रेवाड़ी क्षेत्र में दलित दूल्हा घोड़चढ़ी क्या कर लिया, गांव के गैर दलितों की त्योरी चढ़ गई और दलित दूल्हे को घोड़ी से उतार दिया गया। 4 अप्रैल 2021 को वायरल खबर के मुताबिक हरियाणा के रेवाड़ी इलाके के रोहड़ाई थाना क्षेत्र के बास रतनथल गांव में दलित समाज के बलबीर सिंह के बेटे की बारात निकलनी थी। बारात निकलते हेतु दूल्हे के लिए घोड़ी का इंतजाम किया गया चढ़ने के लिए। दूल्हे को घोड़ी पर चढ़ा देख गांव के गैर दलितों की त्योरी चढ़ गई और उन्होंने दूल्हे को घोड़ी से उतार दिया, जिसे लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। बास रतनथल गांव के गैर दलित लोग दलित के घोड़ी चढ़ने से अपने गांव के रतन के खो जाने का एहसास करते हुए बास बन बैठे और अपना आपा खोते हुए दूल्हे को घोड़ी से उतार कर विवाद करने लगे। इस प्रकरण की स्थानीय थाना रोहड़ाई को जब खबर मिली तो थाना प्रभारी मनोज कुमार फोर्स के साथ पहुंचकर समस्त रस्मों को पूर्ण तरीके से किया और विवाद को रोक दिया। हमारी सोच कितनी घटिया है कि किसी के घोड़चढ़ी पर हमारी तैयोरी चढ़ जाती है और हम सारे प्रेम को तिलांजलि दे अपने जातिगत अहन की त्रुष्टि के पुष्टि में कानून अपने हाथ में ले लेते हैं। बहुत से चालाक लोग तर्क देते हुए कहते हैं कि अब जाति नहीं है, सभी लोग एक साथ पढ़ लिख रहे हैं, खा पी रहे हैं, घूम घाम रहे हैं, अब जाति की बात बेमानी है। जबकि सत्य यह है कि आज भी जाति उतनी ही मजबूत और रूढ़ है जितनी सैकड़ों वर्ष पूर्व थी। मैं आगे बढ़ते हुए एक और जातिगत मामले का जिक्र करना चाहूँगा जो 14 दिसंबर 2019 को पत्रिका में लोकेश वर्मा जी ने यूपी के ग्रेटर नोएडा के लिए खबर लिखी थी, जिसमें घोड़ी बछेड़ा गांव में दलित दूल्हे के घोड़ी चढ़ने पर हुई मारपीट में दूल्हा समेत दर्जन भर लोग घायल होने की सूचना मिली थी। ग्रेटर नोएडा के ऊंची दनकौर गांव में बनवारी जी के भतीजे विकास की बारात घोड़ी बछेड़ा गांव पहुंच गई थी, जिसमें दूल्हे के लिए घोड़ी का इंतजाम किया गया था। अभी बाराती दूल्हे विकास को घोड़ी पर बैठाकर चलने ही वाले थे कि ग्राम प्रधान निंटू रावल के नेतृत्व में अभी जाति समाज के लोगों ने धावा बोल दिया और जाति सूचक संबोधक के साथ कहा कि धोबियों, तुम्हारी इतनी औकात कि हमारे गांव में घोड़ी चढ़ बारात निकालो, फिर ये लोग मार पिटाई करने लगे जिसमें किसी का सर फूटा तो किसी का हाथ टूट गया। इन लोगों ने सूट बूट पहने लोगों को सबसे पहले टारगेट करते हुए उन्हें मारा तो वहीं गाड़ियों को भी तोड़ डाला। कितना अजीब है ना कि दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा जैसा सुमंत क्षेत्र जाति के गंदे मनोविकृति का शिकार है और वह अपने घोड़ी बखेड़ा गांव में दलित के घोड़ी चढ़ने पर बखेड़ा करते खड़ा कर देते हैं। आखिर में जाते जाते एक और मामले के बारे में मैं आपके सामने जिक्र करना चाहूँगा। दरअसल india.com हिंदी न्यूज़ डेस्क द्वारा 29 अप्रैल 2021 को दी गई खबर के मुताबिक राजस्थान सूबे के जयपुर के विराटनगर इलाके में सूरजपुर गांव में अब तक के इतिहास में पहली बार कोई दलित दूल्हा घोड़ी पर चढ़ पाया है। किसी देश में कोई समाज या कम्युनिटी हजारों वर्षों के मानव इतिहास में पहली बार अप्रैल 2021 में घोड़ी पर सकुशल बैठकर गांव घूम गया। यह अपने आप में एक चमत्कार जैसा है क्योंकि एक कथित प्रभु वर्ग को ये पसंद नहीं है कि उसके समक्ष जानवर की पीठ पर कोई जाति विशेष का इंसान सवारी करे। हमारी ये जन्मगत सोच है कि जो हजारों वर्षों की हमारी धार्मिक कुव्यवस्था व सामाजिक परंपरा है और हिंदू वर्ण व्यवस्था के मुताबिक जो इंतजाम किए गए हैं व चलाए गए हैं उन्हें कोई तोड़ने की ज़रूरत भी न कर सके। इस बात को लेकर आज भी हम इतने नरूढ़ हैं कि जान पर आस जाते हैं पर इस मनुवादी कुव्यवस्था को अपना मान सम्मान मानकर इसे हर हाल में बनाए रखते हेतु अपनी कटिबद्धता नहीं छोड़ते हैं। वहीं देश की आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी सन 2021 में राजस्थान के जयपुर के सूरजपुरा गांव में पहली बार दलित वर्ग के दूल्हे को घोड़ी चढ़ाना
उनके लिए सामाजिक अंधकार को मिटाने हेतु ऐसा नए सूरज के अभय युद्ध होने जैसा है। खैर, इससे जातिवाद खत्म तो नहीं होगा, लेकिन ऐसा हर जगह हुआ तो क्या पता हो भी जाए। खैर, जाने का समय हो गया है, लेकिन जाते जाते एक सवाल है जो मैं आपके सामने पूछना चाहूँगा। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर दीजिए। जाति है कि क्यों नहीं जाति? आखिर जातिवाद खत्म क्यों नहीं होता? इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। शुक्रिया। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। नमस्कार।